हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, ये आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की बुक व्याकरण शिल्प हिंदी व्याकरण एम रचना है। आपका सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी एंड प्रोनाउंसिएशन। भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण की तीन विशेषताएं हैं। पहली है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। सबसे छोटी इकाई है, इनके मेल शब्द बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाता है वर्णमाला। स्वर और व्यंजन, स्वर हमारे हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आहा। और व्यंजन है हमारे ये कवंग क ख ग घ ड, चवंग च छ ज झ य, तवंग टा ठ ड ड न, तवंग ता थ द ध न, पवंग प फ ब भ म। अंत सा व्यंजन य र ल व, उस व्यंजन शा 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 हा। संयुक्त व्यंजन अक्षय त्र ग्या श। 11 स्वर प्लस एक अनुस्वार प्लस एक विसर्ग। 33 हमारे होते हैं व्यंजन। वर्णों के भेद, वर्णों के तीन भेद होते हैं, स्वर स्वर और व्यंजन अयोग वाह। स्वर के भी हमारे तीन भेद होते हैं, हस दीर्घ प्लुक। और व्यंजन के हमारे पांच भेद होते हैं, स्पर्श अंतसा उष्म आगत संयुक्त। और अयोग वाक्य के भी तीन भेद होते हैं, अनुस्वार विसर्ग अनुनासिक। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए और हवा बिना रुके मुंह से बाहर आए उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर हैं, जैसे अ आ इ ई उ उ री ए ऐ ओ औ। स्वरों के भेद, पहला है हस्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। हस्त स्वर चार है, आ ई ऊ री, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हस्त स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर चार है, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हस्त स्वरों से लगभग तीन गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर ओम। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाए हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुक जाए बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु दांत या ओष्ठ मतलब होठ का स्पर्श करके मुंह से बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं, जैसे हमारे हैं कवंग क ख ग घ ड, तवंग ट ठ ड ड ड और ड, चवंग च छ ज झ य, तवंग त थ द ध न। अंत सा व्यंजन, इन व्यंजनों में जीवा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती तथा वायु भी बहुत कम समय के लिए रुकती है, इसलिए ये व्यंजन अंत सा व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य र ल व, उस व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा गर्मी पैदा करती है उन्हें उस व्यंजन कहते हैं। जैसे शा 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 हा आगत आ जा फा, आ का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे डॉक्टर चाक आदि। जा फा का प्रयोग अरबी फ्रांसी के शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे फौरन जमानत आदि। अयोग वाह, अयोग वाह का अर्थ आ के योग से अर्थ वहन करने वाला वर्ण। अयोग वाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, किंतु इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है। इन्हें अनुस्वार विसर्ग और अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार, इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे मंगल अता आदि। विसर्ग, इसका प्रयोग वर्णों के आगे होता है, जैसे प्रातः अतः आदि। अनुनासिक, इसका प्रयोग
वर्णों के ऊपर किया जाता है, जैसे चांद, ऊंट आदि। उच्चारण स्थान की तालिका, मुख के जिस भाग में जो वर्ण बोले जाते हैं वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तालिका, ये क्रम दे रखा है, वर्ण है आपके, ये उच्चारण स्थान और ये नाम है। क्रम हमारे ये दे रखे हैं, वर्णीय है। वर्ण क्या है? आ, आ, क, ख, ग, घ, गु, हा, ये है हमारे विसर्ग, विसर्ग। और उच्चारण स्थान है कंठ, नाम है कंठे। इस प्रकार आपको ये तालिका दे रखी है। इस प्रकार आपका सेकंड लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।